सर इन दिनों काफी देश भर में लगातार पूछना नहीं है क्या है क्योंकि सर देश भर में लगातार मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कल अकबर जी को मारा गया, क्या कहना चाहिए? यार उसमें तो पुलिस पहले गाय को हॉस्पिटल लेके गई, इंसान को लेके जाना चाहिए था पहले, लेकिन गाय को हॉस्पिटल ले गए तब तक वो बेचारा अकबर अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो रही है। ये अकबर हो या आशीष हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर खतरे में है। इससे ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, बट हमारे देश का फ्यूचर खतरे में है। जो हो रहा है उसमें हम सबको अगर बाहर निकल के आवाज़ नहीं उठाई तो कल को आप भी हो सकते हो किशन भाई, कल को मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। सर व्हाई बॉलीवुड साइलेंस ऑन दिस इशू? बॉलीवुड काफ़ी साइलेंस है, नो खान आर स्पीकिंग इन दिस इशू, ना सलमान शाहरुख ना आमिर। अरे भाई क्या उनको अपनी वाट लगवानी है बोल के? बेचारे अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस दे रहे, काम करे, करने देना, मैं हूँ ना ये सब काम के लिए, तेरे को उनकी क्या जरूरत है? सब खान ऐसे थोड़ी होते हैं। ओके, लॉ आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लॉ बनाने के लिए मोदी जी को, तो मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? काय का लॉ है? कौन सा लॉ है? लॉ कानून है, कानून। अबे मोदी और राहुल गांधी के हाथ कानून से भी लंबे हैं, और आजकल तो दोनों जादू की झप्पी भी रहे। छोड़ ना भाई, ये सब हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सदियों से होता आ रहा है, वही हो रहा है। तू छोड़ ना, स्मिता की बात करना, स्मिता के लिए सवाल करना, तू हर बार वो ये क्या लेके आ जाता है यार, स्मिता के बारे में बात कर। मेरी दोस्त इतना हार्ड वर्क करके इतना ऊपर आई है, कुछ उसके बारे में बात करना, कुछ स्मिता के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, काफी लोगों को मारा गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एंड यू ऑलवेज स्पीक, आई स्पीक, बट वो बोल के बॉलीवुड में मेरे को रोलों से निकाल दिया जा रहा है बेटा। पर 2019 में पॉलिटिशियन बना रहे मेरे को ये लोग। ओके सर, मेरे साइड से क्वेश्चन है, मराठी में भी बिग बॉस जैसे शोज आ रहे हैं, और हालांकि जो रियलिटी बेस्ड बाकी के जैसे थ्रिलिंग शोज है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फॉर एग्जांपल जो रूरल, बहुत अच्छा है, मराठी फिल्में भी आ रही है, मराठी एक ऑडियंस है, बहुत अच्छा है कि मराठी बिग बॉस सुपर हिट हुआ, इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी चीज़ें मराठी उसमें, तो अच्छा है यार, जितना भी आएगा लोगों के लिए अच्छा है। और बॉम्बे भाई मराठी लोगों का होना भी चाहिए यार। सर ऐसा अगर शो अगर आपको होस्ट करने मिले अगर मराठी में थ्रिलिंग बेस्ड आप करना चाहोगे? तो मेरे को 6 महीने लेने पड़ेंगे समझे कि नहीं, थोड़ा मराठी बराबर बोलने के लिए, माला माहिती है पर भूल नहीं, मतलब समझे कि नहीं, एक नंबर, थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।